जरा अभी हेलो एवरीवन यस दिस इज सोविन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी यस और नो जरा एक बार जरा क्लियर कर दो यस सर नाउ वी आर एबल टू हियर क्लियरली जल्दी से बोल दो नो यस वॉइस 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 नो वॉइस अभी भी यस यस ओके दैट्स ग्रेट तो भाई मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है आज का सेशन जो होने वाला है बहुत खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम बाकी है जिनका एग्जाम बाकी है सर क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या हमारा पेपर अच्छा जाएगा ये सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में मिलने वाला है आज मैं डिस्कस करूंगा मेजरली सिक्स ऑगस्ट के शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के क्वेश्चन की धमाल होने वाला है अंगार मचने वाले हैं क्या आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं सारे बच्चे क्या आप तैयार है? हैं जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो जरा जल्दी से यस एवरी वन बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली exactly पेपर आ कहां से रहा यार ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन के कहां से निकल रहे हैं और मैं खुद नहीं बोलूंगा ये आपको बच्चे बोलने वाले हैं जो आपके बोलते ना कि फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो खुद बोल रहे हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आज का जो सेशन है बहुत धमाल होने वाला है केमिस्ट्री का 2022 का जो इस समय एग्जाम हो रही है आपके लिए एमएससी सिटी की आज सिक्स अगस्त था उसके दो शिफ्ट थे दोनों शिफ्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर करने का ट्राई किया ठीक है ठीके? तो चलिए शुरू करते हैं कल का एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले रखा हुआ है क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा लग रहा है देख के ये क्यों रखा सर आपने क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकता है आने वाले शिफ्ट में आ सकता है इस बात का ध्यान देना क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस शोज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कुछ क्वेश्चन था एग्जैक्टली exactly, और मैंने पढ़ाते समय मैंने पढ़ाते समय एकदम क्लियरली बोला था एकदम क्लियरली बोला था क्या बोला था मैक्सिम नंबर ऑफ आय याद करो मेरा डायलॉग मैक्सिमम नंबर ऑफ आय इक्वल टू हाइएस्ट बॉयलिंग पॉइंट कुछ याद आया कुछ याद आया मैक्सिमम नंबर ऑफ आय मतलब क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मतलब क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइन का मतलब मैक्सिमम बॉलिंग पॉइंट सिंपल और इसलिए क्वेश्चन right का था क्योंकि इसमें ज्यादा आयन बन रहे थे ये 5th का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे बच्चों ने भेजा तो मुझे लगा ये क्वेश्चन एक अच्छा ऐसा है जो मैंने डिस्कस नहीं किया और इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सोल्यूशन में टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं पूछ दिया गया ऐसा ऐसा ऑप्शन ऐसा कंटेंट कहीं नहीं दिया गया चलेगा केस बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रिएजेंट यूज इन हॉफमैन एलिमिनेशन देखो हाफमैन एलिमिनेशन में एकदम सिंपल सा रिएजेंट था अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो AG2O और ये AG2O कैसा था भाई तो हम बोलेंगे मॉइस्ट वाला था मतलब एरो पे हम ये लिखते थे दैट इज द करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर जरा चेक कर लो यस yes, ये जरा चेक कर लो यस yes, भाई चेक कर लो ये yes, yes, सही है एकदम बिल्कुल सही है तो मॉइस्ट AG2O इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी यस yes. क्या बात है यहां पे जयश्री बोल रही है सर आपने तो नहीं बनाया था ना पेपर ऐसे बहुत सारे होने वाले भाई टेंशन लो अगला क्वेश्चन ज्यादा ट्रिक याद रखो मेरा ट्रिक याद रखो घर पे दो से तीन बार प्रैक्टिस कर बच्चे लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम तो लाल चुनरिया पहन के नाची चुनरिया तो यहीं पे आ गया मतलब से प्यार आ गया सोनम ए गौरी तेरा दहेज है इतना तुम ये लो मतलब बचा कौन पी ए पी ए बच गया इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये तो बोलेंगे सर प्यारी से हमने मार्क कर लिया था, हमको क्या पता चला घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो पूरा का पूरा आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा क्लियर है तो आंसर है पी ए पी ए राइट आंसर है पी आर बोलने वाले गलत है मेरे भाई हमको पूछा था कौन एक्टनॉइड है बाकी सब लेनोइड है चलेगा यस और नो यस कोई दिक्कत सर आपने तो स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा बोलिंग पॉइंट कहा था पूछ रहे बच्चे से था, इसका मतलब पार्थ नहीं मेरा कोई भी लेक्चर ढंग से देखा नहीं है अगर वो सोल्यूशन का लेक्चर जाके देख लेता लास्ट मैराथन में देख लेता तो भी पैसा वसूल हो जाता था उसका ठीक है तो मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि भाई हर एक जो मैंने लेक्चर बहुत सारे लिए अगर आपने वो नहीं देखा मेगा लेक्चर देख लो और लास्ट के मैराथन देख लो बस बस उसी में से छप रहा है पेपर उसी में से आ रहा है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एच सी पी स्लैश किसी किसी जगह पे एफ सी सी भी आ रहा है कंफ्यूज मत होना बारह नंबर को मार्क करना सीधा टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन को पढ़ाते समय मैंने बोला था कि आपको डायमेंशन नहीं आएंगे चलेगा वन डायमेंशनल टू डायमेंशन थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल ये सब नहीं आएगा चलेगा लेकिन बुक में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया है जहां पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में ही बता रहा है वो लाइन को घिस डालो अभी भी आने वाली बैच घिस डालो अगर आपने वो नहीं किया भाई तो आप पछताएंगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे फिर तुम्हें वही गाना याद आएगा और कुछ याद आएगा नहीं भाई याद रखना अगला क्वेश्चन बोला है कि सुक्रोज प्लस अगर कॉन्सेंट्रेटेड एच फोर मिला दिया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में क्या बनेगा तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ऑप्शन में देखना क्या दिया है यही से आप अंदाजा लगा लेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखो ये शिफ्ट में ऐसा आया है ये शिफ्ट में ऐसा आया है ये अब मैं बोलू आपको आपके शिफ्ट में ऐसा आ सकता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी दिया है और आपने इसमें मिलाया तो बताओ कि ए और बी का फॉर्मूला क्या होगा मतलब ए और बी बनेगा तो उसका फॉर्मूला बताओ आया समझ में आपके टाइम पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं घुमा के या फिर ए बी दे दिया है। या बोल दिया कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मोलिकुलटोज बन रहा है तो बताओ कि उसका

सबसे तेजी से अल्किंग कौन बनाता है सर टर्सरी वाला बंदा सबसे तेजी से बनाता है बड़ा तेजी से बनाता है तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये आपका ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि सबसे कम जो होगा आपका प्राइमरी वाला है जो जल्दी आपका डीहाइड्रोलेशन दि नहीं दिखाता है प्राइमरी वाला क्या दिखाता है भाई जल्दी से बोलो यस यस प्राइमरी वाला क्या बोलता है जल्दी बोलो प्राइमरी वाला जो है प्राइमरी वाला जो है वो आपको अल्टीमेटली क्या बनाता है जल्दी बोलो प्राइमरी वाला सब्सिट्यूशन दिखाता है स yes, बच्चे पार्थ तो मैं उम्मीद करूं कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा बहुत बढ़िया भाई क्या बात है इसमें से जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि मेजरली ना एकदम जो एमएससी सिटी में आए थे वही क्वेश्चन डायरेक्टली हमने लिया है ठीक है ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि दो तीन बच्चे मैं नाम ले लेता तो, हूं इनको क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे हर्ष गुप्ता जो कि बोल सकते हो कि बच्चे ने सामने से बोला कि सर ये पेपर में आंसर याद करके मैं आके घर पर तुरंत लिख दिया चार दस क्वेश्चन ठीक है अथर करके बच्चा गए ठीक है नीले शर्खे बच्चा था ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअल में घर पे आके पेपर लिखे और उसके बाद उन्होंने मुझे फोटो भेजा कि सर ये किस बारह क्वेश्चन मुझे याद आए एकदम अच्छे से वर्ड टू वर्ड मतलब एकदम वर्ड वर्ड टू ऑप्शन नहीं याद किया हमने लेकिन वर्ड टू वर्ड चलेगा कोई दिक्कत कहीं पर भी बहुत बढ़िया भाई ये सुजीत को ब्लॉक करो क्या कर रहे हैं भाई सुजीत ये सुजीत क्या बोल रहे हैं सुजीत बोल रहे हैं फिजिक्स वाला कोई डाउट है बच्चे उसमें बिल्कुल मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि हाँ भाई बेस्ट है और आपके अगर वो बेस्ट है तो और आपका सर, सर का जो सिलेक्शन है उसमें हो गया था तो आपके सर भी बेस्ट ही रहेंगे यार सीधी सी बात है है कि नहीं तो मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में ठीक है चलो इफ अ सिस्टम गेन एक्स जूल हीट एंड वाई जूल वर्क इज डन ऑन इट सोचो पहले जरा आप सोचो पहले जरा क्या बोल रहा है फाइन डेल्टा यू देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला आपको पता ही है डेल्टा यू का फॉर्मूला पता ही है आपको कि भाई आपको क्यू प्लस डब्ल्यू होने वाला है अब ये स... सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत मैटर करने वाला है यह सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत मैटर करने वाला है क्या बोल रहा है देखो जरा सिस्टम गेन एक्स एक्स जूल जूल हीट हीट बोला है ठीक है और बोल रहा है कि वाई जूल वर्क इज डन ऑन ऑन इट इट अब ये का मतलब क्या हुआ अगर हम यहां पे रूल के हिसाब से देखा अभी मुझे नहीं पता इस बच्चे ने सही लिखा है कि गलत लिखा है यहां से पूरा स्टोरी चेंज होने वाला है यहां से पूरी स्टोरी चेंज होने वाली ध्यान देना इस बात को यहां से पूरी स्टोरी चेंज होने वाली अगर यहां पर लिखा होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम लिखा होगा अगर बाय द सिस्टम तब ये नेगेटिव आएगा लेकिन अगर ऑन द सिस्टम ही लिखा है तो मतलब सराउंडिंग में वर्क किया तब हमारा आंसर आएगा वाई जूल तब ये आंसर राइट right होने वाला है क्योंकि यहां पे लिखा है इज डन ऑन ऑन इट ऑन इट का मतलब उसके ऊपर किया गया ठीक है यस तो मुझे एग्जेक्टली exactly नहीं पता मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यही था

हमने सोचा था क्या देख रहा है देख कि नहीं यहां पे लेते ट्रिक सांगो ना सर एक बार फिर से ये बच्चे शांत कितनी बार बोलो यार एक ही ट्रिक कितनी बार बोलू मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ओ हो 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 कितनी बार बोलू देखो पहले ध्यान से लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम ए गौरी तेरा दहेज है इतना तुम ये लो एल यू आ गया लास्ट में चलेगा यहां देख भाई सेम टू तो सेम आ गया ऐसा लग रहा है विच अमंग फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू प्रिपेयर पीवीसी मैंने बड़े में कुछ क्यों लिखा है क्योंकि ये बहुत छोटा होगा दिखाई नहीं देगा आपको ये बहुत छोटा है दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने लिखा है भाई आपके लिए इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही आया था बच्चे इस तरह से दिया थे कि सर ये option, ये ऑप्शन क्वेश्चन दिया था और बोला था कि इसको बनाने के लिए क्या लगेगा तो भाई ऑब्वियसली पीवीसी ये विनाइल क्लोराइड है इसको अगर बनाना है तो आपको पीवीसी आंसर बनेगा पीवीसी इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत पॉली विनाइल क्लोराइड कोई डाउट कहीं पर भी यस यस कोई डाउट सर ये क्या है ये क्वेश्चन तो आपने उड़ा दिया था हाँ बच्चे ये तो एकदम उड़ गया था हवे में उड़ गया था एकदम यस yes, आगे देखो जरा आगे देखो जरा क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो ये जरा स्टेटमेंट जरा पढ़ो क्या लिखा है बच्चे का स्टेटमेंट जरा देखो क्या लिखा हुआ भाई ये तो अंगार लिख दिया एकदम बच्चे ने क्या लिखा जरा पढ़ो पहले यहां पे सर सेम टू सेम क्वेश्चन आया था यू आर ग्रेट सर मैं अपने ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं इसको तो बॉक्स में डाल दो ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया था सेम टू सेम क्वेश्चन आया था और आपके सामने सोल्यूशन में दिख रहा है कि भाई यहां पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको ब्राइटनेस नहीं मिल रही तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्या है आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइनटी परसेंट कंप्लीशन शायद इसके ऊपर नाइनटी नाइन आ गया होगा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए

ये देख लें अच्छे से यहां पे बच्चे ने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा मिलेगा लेमन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन इज प्रेजेंट इन लेमन बोलो, लेमन में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है जल्दी बोल दो यस 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 पृथ्वीराज बोल रहे यहां पे सेम दो हजार इक्कीस का है और जो आपने उधर ही ज्यादा लिए थे नौ घंटे का लेक्चर वॉज इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली exactly. मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो बच्चा अपने आने वाले सिटी में, में केमिस्ट्री में बवाल मचाना चाहता है धमाल करना चाहता है नौ घंटे के लेक्चर को जरूर चाहे तो ट्वेल्थ स्पीड में देखो लेकिन देखना जरूर क्योंकि वो लेक्चर आपको अकेले सिर्फ वो नौ घंटे का एक लेक्चर आपको पच्चीस मार्क्स तो गारंटी दे ही देगा ऐसे तो तीस मार्क्स भी आ सकते हैं लेकिन एक एवरेज बोलेंगे तो पच्चीस के ऊपर मिलेगा मतलब पच्चीस वहां से आने वाले बाकी पच्चीस के लिए आपको मैराथन देख लो टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर लो ठीक है बाकी चीज आपको करनी पड़ेगी इसका राइट आंसर है का बिल्कुल सही। इस क्योंकि आपने सुना होगा खट्टो चीजों में साइट्रिक एसिड मिलता है लेमन हो गया या फिर कोई इमली उमली हो गई तो उसके अंदर भी मिलता है साइट्रिक साइट्रिक एसिड जो था एकदम करेक्ट आंसर था इसका नेक्स्ट देखो आप पढ़ नहीं पा रहे मैं आपको दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर बना के पूछना कि इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन कितने थे मुझे इसका ऑप्शन जानना है यार मुझे बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि लॉजिकली तो अगर देखें तो प्राइमरी कार्बन इसमें दिखी नहीं रहा है प्राइमरी कार्बन ऑप्शन में क्या था जीरो कार्बन तीन जगह से अटैच है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दो है ये भी दो जगह से अटैच है तो वही मुझे जानना था कि ऑप्शन क्या था ये भी दो जगह से अटैच है दिख रहे हैं चेक करो मुझे बताओ इसका ऑप्शन किसी को याद है क्या किसी को इसका ऑप्शन याद है जीरो आर यू श्योर जीरो ऑप्शन था ना यस जीरो ऑप्शन था कि नहीं था पहले बताओ जीरो जीरो मार्क करना जीरो तो जीरो मार्क करना प्राइमरी कार्बन इसके अंदर है ही नहीं प्राइमरी कार्बन है ही नहीं प्राइमरी कार्बन है नहीं इसका ऑप्शन किसी ने भेजा नहीं तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे हुआ ये प्राइमरी कार्बन है नहीं इसके अंदर कोई दिक्कत नेक्स्ट ओ माई गॉड देखो यहां दे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है पूछा है कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि एफ ई प्लस सी यू टू प्लस से अगर एफ टू प्लस और सी यू बन रहा है तो बताइए कि बताइए कि इसमें बैठ लिया होगा पूरा साठ पैंसठ क्वेश्चन कराया हैं उसी में से घुमा फिरा के पांच सात उसी में से आ रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे बड़े बड़े जितने भी लेक्चर है भाई टू एक्स की स्पीड में जाके देख लो एक बार बस काम आपका खत्म हो जाएगा एकदम काम खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इलेवेंथ में मैंने पढ़ाया था रिडक्शन किसको बोलते हैं रिडक्शन कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडन कैसे पहचानते right तो हैं तो और जो बंदा ऑक्सीडेशन दिखाता वो कभी रिडक्शन हो ही नहीं सकता मतलब सॉरी वो कभी ऑक्सीडन एजेंट नहीं होगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये कौन सा एजेंट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सर राइट आंसर क्या होगा देखो सी यू जीरो से सॉरी प्लस टू से जीरो बन गया मतलब ये एक्चुअल में रिडक्शन दिखा रहा है और जो रिडक्शन दिखाएगा वो एक्चुअल में माना जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब राइट right आंसर होना होना चाहिए सी टू प्लस ऐसा क्वेश्चन था तो राइट आंसर सी टू प्लस आएगा सी टू प्लस इज द करेक्ट आंसर बोलो कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को भी मजा आ रहा है यस मजा आ रहा है

एक माहौल क्रिएट किया जाए कि यार कुछ आने वाला है नया और उसके बाद जो है कि मैं लॉन्च किया मेगा लेक्चर तो ऐसा भी नहीं कि आप मैंने कल चालू कर दिया ठीक है तो मैं बस यही बोलूंगा कि मेगा मेगा लेक्चर लेक्चर अगर आपका शिफ्ट बचा हुआ है तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज मेगा को देखकर ही जाओ उसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी सर उसकी पीडीएफ मैंने लिंक टेलीग्राम पर डाला है बट खुल नहीं रहा है वो भी सच्चाई है खुल नहीं रहा है तो ऐप पर जाना है ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर जाना है

जो चांसेस रहेंगे और सब सब है। सब वही वही है, एस बी आर बोलो टायर इंडस्ट्री मैंने आपको लिखवा के दिया था पढ़ा के दिया था यहां पर भी ऑप्शन में टायर वर्ड आया था मैंने देखा कहीं पे ठीक है तो राइट आंसर होगा टायर इंडस्ट्री या फिर टायर में कोई दिक्कत कहीं पर भी बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया मजा आ गया पब्लिक बोल रहे यहां पर वॉट इज इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम तो भाई aniline से जब एनिलॉल बनाते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है सॉल्ट बस इतना ही बोलना है तुम्हें ये NH2 है ये HNO2 था प्लस HCl डाल दो चलेगा एन ए एन ओ टू प्लस एचल टू सेवेंटी थ्री कैलिविन टेम्परेचर पे यहां से पानी उड़ी आएगा और जब पानी उड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई जरा चेक कर लो ये बन जाएगा बेंजिन रिंग यहां से बन जाएगा एन टू सी एल कुछ याद आया अरे सर पूरा का पूरा याद आ गया पूरा का पूरा याद आ गया बोलो क्या हो गया ये राइट आंसर क्या हो गया जल्दी बोलो राइट आंसर क्या हो गया राइट आंसर विल बी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट अब डायजोनियम सॉल्ट को मार्क करना है सीधा डायजोनियम सॉल्ट को सीधा उड़ा दो डायजोनियम सॉल्ट को सीधा उड़ा दो कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी भाई लिंक आप लोगों ने शेयर नहीं किया बराबर से लग रहा है यार धमाल तरीके से लिंक शेयर करो सबको पता चलना चाहिए कि शिफ्ट एनालिसिस पे एकदम एक्यूरेट वाला हो रहा है और जो पढ़ाया गया तो वही सब आया उसके बारे में एकदम बढ़िया से आपको बोलते ना एनालिसिस करके दे रहा हूं मैं कि भाई आपको दोनों तरह से चीजें पता होनी चाहिए कि जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनको सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं पता करना है चलो मैंने शिफ्ट का वन टू थ्री का क्वेश्चन कर लिया मेरा काम खत्म नहीं आगे आपको क्या करना है उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं साथ में बताते चल रहा हूं ठीक है तो जल्दी से जुड़ जाइए क्वेश्चन रिपीट हो देगा बिल्कुल सही बच्चे यश

फ्रेंड्स चेक करके बता नहीं बच्चे सुनो पहले बुना बुना एस और एन दोनों आया था पेपर में अभी बुना एन वाला वाला भी क्वेश्चन मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हर्ष गुप्ता इज हियर क्या बात है बच्चे हर्ष बहुत बढ़िया बच्चे ने काफी मदद की व्हाट इज द स्टैंडर्ड दक्षण पोटेंशियल ऑफ सी यू ऐसा कुछ तो बच्चे ने लिखा है बच्चे को भी क्लियर नहीं क्या है लेकिन मैं इसका क्यों क्वेश्चन लिया मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर जैसे एग्जाम्पल सी यू लिखा हुआ है और सी के बाद सीयू टू होगा शायद से मुझे ऐसा लग रहा है डबल एक्स से फिर शायद एक्स होगा प्लस में या माइनस में फिर सिंपल एक्स बनेगा ऐसा कुछ तो होना चाहिए मतलब लॉजिकली मैं उम्मीद कर रहा हूं तो ये जो दिख रहा है ना ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है ऑक्सीडेशन को हम एनोड बोलते हैं या कहीं कहीं लिखा होता है ए, सी यू से सी यू टू प्लस। इसका एक वैल्यू दे देगा ठीक है और फिर वैसा ही वैल्यू आपको देंगे यहाँ पे ई नोड के लिए ये एनोड था ऐसा ही दे देंगे आपको ई कैथोड के लिए तो सर कैथोड किसका होता है कैथोड होता है जनरली यहां पे मैं एक्स प्लस से एक्स बन गया मतलब जिसका रिडक्शन होता है क्या होता है ये क्यों करा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने तो कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे तो मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए अगर मेरा जाके देखेंगे का पहला क्वेश्चन जो एक्चुअल लेक्चर लिया था वहां पे देखो या कहीं पर भी आके देखो तो आपको लगेगा पहला क्वेश्चन ऐसा ही था सर कुछ याद आया कुछ जीरो पॉइंट एट जीरो आंसर था एक बच्चा बोल रहा है बट मुझे नहीं पता एक्टली exactly किस मतलब अभी मुझे डेटा मेरे पास नहीं है पूरी तरह से ठीक है डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं कमेंट नहीं करूंगा ये आंसर होगा बट आपको पैटर्न ये क्वेश्चन आया था ऐसा क्वेश्चन आया था कोई डाउट ये yes, कहीं पर भी हाँ सर आपने दो हजार बाईस का क्वेश्चन कहा था बिल्कुल सही बच्चे गणेश मैं फिर से बता रहा हूं जिसके उसको पढ़ाते समय मैं मैंने बोला था एमएससी है छपेगा वो आने वाले बैच में भी छपने वाला है पैटर्न घुमाएंगे पैटर्न घुमाएंगे लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा ठीक है आगे देखो यार आप मीनो एसिड इज नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी मतलब सर हमको नहीं समझ में आ रहा है मतलब भाई ये सीधा सीधा बोल रहे हैं आपसे कि अमीनो एसिड मेरे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन दस अमीनो एसिड होते हैं टेबल में दस अमीनो एसिड है इसेंशियल वाले जो कि ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है बायोमोलिक बाय चैप्टर में घिस डालो ये तो मैं मेरे ख्याल से बोलते है, बोलते अगला एंड वाला शिफ्ट आ जाएगा तो भी तुम लोग नहीं सुनेंगे अरे भाई बोल रहा हूँ छपेगा छपेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट है मतलब में दस जगह आने वाला है क्योंकि एक आंसर उनको पूछना है बस दस में से एक ऑप्शन होना चाहिए राइट तो नौ वाले जो होंगे अलग जो नौ रहेंगे अलग अलग शिफ्ट में घुमा होगा पूछते रहेंगे सेम नहीं आएगा सेम नहीं आएगा सेम नहीं आएगा सेम नहीं, नहीं आएगा कि सर इस बार आया था ये वाला वैल्यून आया तो क्या हर बार वैल्यून आएगा नहीं ऐसा नहीं है दस में से ही घुमाएंगे तो वो दस को एकदम अच्छे से घिस डालो सिंपल बता रहा हूं यस यस नौ घंटे का लेक्चर ट्वेल्थ की स्पीड में कितना टाइम लगेगा भाई आप देख लो रोहन कितना टाइम लग रहा है रोहन नौ घंटे का लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते यूजेज ऑफ बुना एन आ गया आ गया बुना एन का यूज करते हैं पढ़ा के दिया था आधेसिज में भी करते हैं शूज सोल ऑफ सोल ऑफ शूज याद आया कुछ कुछ याद आया थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं सर थोड़ा बहुत याद आया दिखाता हूं मैं आपको देखो यहां पर अधेसिवज में भी करते हैं फिर उसके बाद सोल्स ऑफ शूज में भी करते हैं अब जो ऑप्शन रहा होगा उसको उड़ा दो जो भी ऑप्शन रहेगा उसको उड़ा दो ये yes, आपको देख लो भाई क्या क्या था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन आप खुद देख लो क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन yes, मतलब आंसर क्या था था तो मार्क मार्क करेंगे और सोल्स ऑफ डिफॉल्ट ये भी मार्क कर देंगे ठीक है अच्छा ऑप्शन में था आधे एंड शूज ऑफ सोल हाँ चलेगा परफेक्ट आ गया ना बस काम खत्म काम वहीं पे खत्म कोई दिक्कत यस yes, यस yes, कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी चेक करो पहले क्या हर एक चीज यहां पे एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है

तो ये सबसे ज्यादा ये दिखाने वाला देखो इस तरह से सबसे ज्यादा ये दिखाने वाला पहला कंडीशन दूसरा इसके अंदर हम बोल सकते हैं एक तरह से कि वीक वीक होता होता है है मुझे देखो तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं पता इसमें क्या था। क्या बट मैं मैं पॉसिबल इसके आंसर वो बता रहा हूं पहले इसमें क्या रहेगा बोलो वीक न्यूक्लियो फाइल रहेगा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें वीक इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ये अपने आप में यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है जो भी पॉसिबिलिटी आ रही मैं लिख देता हूं यहां पे इसी में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा कौन सी बात यहां पे बोला है फॉल्स है तो इसके अपोजिट में कोई एक बात रही होगी उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक और आ सकता है कि ये जीरो ऑर्डर होता है जीरो ऑर्डर होता है विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियो फाइल फिर से सुन लो जरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियो फाइल यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं

सेकेंड स्टेप का होता है जी हाँ क्योंकि एस एन वन दो स्टेप का होता है उल्टा होता है अब देखो यहां पे आ गया एस एन वन ठीक है यहां पे आ गया एस एन वन आपके टाइम पे आ जाएगा एस एन टू का फॉल्स बताओ या एस एन टू का आया समझ में क्या बोल रहा हूं यस कोई दिक्कत कहीं पर भी कहीं कहीं पर भी किसी को भी आगे बढ़े व्हाट अच्छा डब्ल्यू मिस हो गया यहां पर वॉट इज परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ दिस वैल्यू इन दिस मच मतलब ये जो था ना बच्चे ये आपको के ए दिया है हालांकि बच्चे ने बस जितना याद हुआ उतना तो लिखा है यह के ए के रूप में रहेगा 1.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन का पावर माइनस फोर चलेगा यहां पे सी कितना है भाई 0.25 है चलेगा कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी अब क्या करोगे अरे भाई करेंगे क्या ही देखो जरा के ए का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर इंटू सी तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा के ए अपॉन सी रूट के अंदर के ए दिया है into 10 का पावर माइनस फोर यहां पे लिख दो इसको पच्चीस टू कर दो ये सब रूट के अंदर की बात हो रही है सब रूट के अंदर के तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो क्या इस दो इंटू बंदा टेन बंदा का, का पावर कितना गया? 2 आ गया. चलेगा रूट के अंदर अब क्या कर सकते अभी और क्या कर सकते हैं इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड कर देता हूं मैं. क्यों सर थोड़ा सा ये वन टू बन जाएगा और ये टेन का पावर ये 25 ले लो ये टेन का पावर माइनस फोर वापस से हो गया इस तरह से अब इसको सॉल्व कर दो सौ 25, 25, बराबर ना पच्चीस सत्तर कितना पच्चीस पच्चीस सत्तर सात के आसपास आ रहा है रूट सेवन आ रहा है चलेगा इसको कट किया तो कितना अप्रोक्सिमेटी सेवन आ रहा है और इसका टेन का पावर माइनस टू बाहर आ गया रूट सात कितना होता है नौ कितना होता है तीन दो कितना होता है चार तो ये मतलब दो पॉइंट फाइव सेवन एट ऐसा कुछ आएगा ऐसा कुछ आना चाहिए मैं रफली निकाल रहा हूं मुझे छब्बीस तो तो कर क्या करेंगे टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस टू इंटू टेन का पावर टू कर दो यह कर जाएगा कुछ टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट ऐसा कुछ आएगा परसेंटेज में कितना आंसर था किसी को याद है किसी को याद है ये लगभग ऐसा था ये मैंने पैटर्न समझाया कैसे होगा टू पॉइंट सिक्स मुझे नहीं पता ऑप्शन बी सही था सर ऑप्शन यहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं नहीं है बट ऐसे सोल्व करना मैं आपको बता रहा हूं ऐसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं सर मेगा लेक्चर कहां मिलेगा आपका समर्पण बच्चे मेगा लेक्चर इसी चैनल के ऊपर जाओ वीडियो में जाओ पहले प्लेलिस्ट पहले अच्छे से मेरा यूट्यूब चैनल खोल लो वीडियो में जाओ और उसको धीरे धीरे स्कूल करोगे तो आपको दस बारह वीडियो के बाद आपको दिखेगा मेगा लेक्चर और टाइमिंग देखिए समझेगा कि यही मेगा लेक्चर है नौ घंटा इकतालीस मिनट का मेगा लेक्चर मिलेगा नौ घंटा इकतालीस मिनट का मिल जाएगा चलेगा कोई डाउट है यस yes, कोई दिक्कत कहीं पर भी 2.9 था 2.78 जो भी था बच्चे ऑप्शन में ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं विच सब्सटेंस शोज हाइएस्ट बॉलिंग पॉइंट कौन अच्छा इसमें हाइएस्ट बॉलिंग पॉइंट बोला है और इसमें ऑर्गेनिक के ऑप्शन अगर रहेंगे देख लो यहां पर ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड होगा इसमें कुछ बच्चे ने कुछ आगे लिखा नहीं तो मैंने बस इतना अज्यूम किया कि ऑर्गेनिक का हो सकता है स्ट्रेट चेन वाला जो होगा स्ट्रेट चैन वाला जो होगा वो क्या बनाएगा भाई मोर बॉइलिंग पॉइंट मोर बॉइलिंग पॉइंट मोर बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा कोई दिक्कत और ब्रांच वाला जो होगा और जो ब्रांच वाला होगा ब्रांच चेन जो होगा वो बनाएगा आपके लिए लेस बॉइलिंग पॉइंट क्या बनाएगा ये लेस बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी को भी चीजें क्लियर होनी एकदम बढ़िया से Yes, कोई कंफ्यूजन क्या बात है क्या बात है एसिड अच्छा अगर ये अल्कोहल एसिड ऐसा कुछ बोलेगा तो में मार्क करना है तब मार्क करना है ये सबसे हाईएस्ट बॉन्डिंग -बौन दिखाता है. अगर सेम चेन है तो कोई बात नहीं तब आपको फंक्शन ग्रुप चेक करना पड़ेगा फंक्शन ग्रुप में ये होना चाहिए नेक्स्ट हैलो फॉर्म रिएक्शन आया था प्रोडक्ट बताना था क्या बात है बच्चों को जैसा समझ में आया उसने वैसा भेज दिया मैंने भी वैसे कॉपी कर लिया ठीक है बोलो

कि ये दिया है और डायरेक्टली आपको ये दे दिया देखो इस तरह से तो भी कंफ्यूज मत होना सर प्रोडक्ट क्या बनता है तो एक बनेगा सॉल्ट प्रोडक्ट याद रखो यहां पे दूसरा बनेगा सी एच एक्स थ्री बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है ये दो चीज इंपॉर्टेंट है यही आपको एग्जाम में याद होना चाहिए यही आपको एग्जाम में याद होना चाहिए सर बैलेंसिंग करके देना है क्या नहीं मेरे भाई बैलेंसिंग जैसी कोई चीज है यहां पर बैलेंसिंग जैसी चीज कोई नहीं है जरा चेक करो फटाफट कोई दिक्कत है तो बोलो यस yes, ये क्वेश्चन भी था विच आर फॉलोइंग करेट अबाउट एस एन टू एस एन टू मैकेजमांसा भी हो सकता है यस yes, ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि एस एन टू के ऊपर करेट पूछा जाएगा सेकंड शिफ्ट में हो सकता है सेकंड शिफ्ट का ज्यादा क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया क्योंकि बच्चे अभी जस्ट क्या होता है मान में जब आप घर से निकलते हो ऑलरेडी एक खुशी होती है चेहरे पर गया अच्छा गया गंदा गया जो भी गया फिर आप दोस्तों से बातें करते हो तो आपको ध्यान नहीं रहता यार सर को क्वेश्चन में भेजना है फिर उसके बाद आप ट्रेवलिंग करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे बच्चे बसों से ट्रेन से बहुत दूर दूर शिफ्टिंग आती है आप आप भी देखोगे कि आपका शिफ्टिंग बहुत दूर आया हुआ यार आपका मतलब जो जो एक्चुअल एग्जाम हो रहा है और जो आपका घर है वो काफी डिस्टेंस पर है शायद शायद आपको पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चे तो अभी मेरा लेक्चर ट्रेन से से ही देख रहे होंगे बराबर पहुंचते पहुंचते उनको आठ नौ जाएगा तो ऐसे में याद नहीं रहता था एक्जेक्टली ठीक है कि हम कैसे करें चलेगा इसका पीडीएफ मिल जाएगा कहां मिलेगा फिर से सुनो जरा इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको जुड़ना पड़ेगा ऑल अबाउट केमिस्ट्री एक लिंक है वहां पे जुड़ जाइए या तो आप एकलव्य बैच टू पॉइंट जीरो में जुड़ जाइए दोनों जगह आपको मिलता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चलेगा next. Which coordination compound is या तो प्रॉपर माइनस होना चाहिए या तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई ऐसा एनाइन जैसा कुछ होना चाहिए सी सॉरी पहले होना चाहिए कुछ एनैनिक पूछा ना तो यहां पे कुछ एलिमेंट होने चाहिए जो केटन का नीचे दिखाए जैसे के फोर या फिर एल आई टू ठीक है ऐसा कुछ तो होना चाहिए कोई कैटाइन वाला पार्ट होना चाहिए तब हम बोलेंगे या तो माइनस चार्ज होना चाहिए प्रॉपर ठीक है ये तो माइनस चार्ज होना चाहिए सर मेरा तो बहुत दूर है पर जाने दो हाँ बच्चे ये तो समझ में आ गया मुझे हाँ, बच्चे का बहुत दूर है तो ऑब्वियस है मानू पड़ा है कि वहां पे जाकर बैठना पड़ेगा एक दिन ऐसा करना पड़ता है एक्चुअल में बहुत तो जगह पर सेंटर आते हैं लोग एक जगह अपने रिश्तेदार के यहाँ पे पहले रुकते हैं वहीं से एग्जाम देखिए फिर अगले दिन आते हैं ठीक है तो बहुत ज्यादा होता है चलेगा कोई कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी सर बॉलिंग पॉइंट पूछा था तो क्या लिखने लिखनेगा बॉलिंग मॉडा तो क्या लिखने का बॉलिंग पॉइंट पूछा तो बच्चे किसका बॉलिंग पॉइंट पूछा था वहां पर कार एसिड का बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार एसिड का बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बस ये ध्यान में रखना कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी को भी ये चलेगा चेक करो काउंटर आयन प्रेजेंट होना चाहिए बिल्कुल सही काउंटर आयन प्रेजेंट होना चाहिए मतलब ये कोई भी बंदा प्रेजेंट है तो भी वो एन माना जा सकता है ये चीजें क्लियर हो रही है आगे बढ़े सबने देख लेना एकदम अच्छे से चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है भाई जरा देख लेते हैं ओ माय गॉड सर ये क्या लिखा है बच्चे ने लिखा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ये चल रही नहीं देखो जरा चलो यहां देखो जरा पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सर यह क्या सीन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ याद आया कुछ याद आया मुझे तो सब कुछ याद आ रहा है डेल्टा टी बी इक्वल टू वो वो क्या करेगा केबीसी खेलेगा कितना रुपए जीतेगा भाई हजार रुपए किसको देगा मुझको देगा और इसका उल्टा कर दो इसका इसका हो गया हो कि ना पे गया देखो यहाँ पे मुझको देगा तो मतलब मुझको देगा मतलब उसके लिए मैं दूसरा अब इसका एक वन ले लो ये हमारा राइट right आंसर था इसी को घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के बोलना था किसी को भी कोई कंफ्यूजन यस कोई दिक्कत बोलो सबको समझ में आ गया बच्चे ने तो सामने से लिखा सर आपने जैसा ट्रिक बताया था ना यार वैसे हमको मजा आ गया नहीं तो हम तो इसमें तो झूलते रहते थे यहां वहां फर्म हम झूलते रहते थे हम कुछ भी मांग करके आ जाते थे लेकिन आपके ट्रिक ने हमको बचा लिया आपके ट्रिक ने हमको बचा लिया जी हाँ जी हाँ जी हां यही बोल रहा हूं ध्यान से सुनो डेंसिटी का भी मैंने ट्रिक बना के दिया था याद है कि नहीं डेंसिटी का भी दिया था और वो भी आपको न्यूमेरिकल के रूप में आया हुआ है हालांकि हमें न्यूमेरिकल में प्रॉपर डेटा नहीं मिला इसलिए मैं क्वेश्चन ले नहीं पाया लेकिन सॉलिड शेड का डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बात का ध्यान देना नेक्स्ट रिएक्शन मैच विद द नेम बच्चे ने लिखा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया था रिएक्शन मैच विद द नेम बोला था रिएक्शन मैच विद नेम बोला है मतलब हाफमैन मैन डिग्रेडेशन दिया है तो कुछ उसके, उसके, उसके मतलब तो कैसे करना है यस यस भूल गया था इसीलिए हाथ में लिख लिया हूं क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया भाई ऐसा मत करो यार तुम लोग पकड़े जाओगे तो बड़े मान्य हो जाएंगे तुम्हारे हाथ हाथ में लिखो मत छिटिंग मत करो ठीक है या तो ऐसा होगा कि शायद बच्चा बोल रहा है कि आते समय लिख लिया था ऐसा बोल रहा है बच्चे पेपर देने के बाद आप लिख लेते ठीक है केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर थैंक यू बच्चे की बात कर रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर टू के आंसर बन जाएगा अमाइन स्टेप डाउन रिएक्शन एग्जाम में इस बार क्या आ सकता है आने वाले एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि भाई स्टेप डाउन कौन सा है, तब तुम आप फंस जाओगे। हमको तो पता ही नहीं स्टेप डाउन कौन है। हॉफमैन है। है। एलिमिनेशन।, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का रिएक्शन तो बड़ा सिंपल होता है नजरे व्हाइट बोर्ड की तरफ रखेंगे ठीक है रुको जरा थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कोई भी हो सकता है बस ये ध्यान ना कि एन के ऊपर प्लस चार्ज है इसके ऊपर बहुत सारे आप आर 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 लिख दो चलो कोई बात नहीं है आर, आर, आर लिख दो, इस तरह से और फिर उसके बाद बाहर आई लगा दो या एक्स लगा दो और उसमें अगर लिखा हुआ है मॉइस्ट Ag2O टू ओ अब मुझे ऑप्शन नहीं तो मुझे पता नहीं चला क्वेश्चन कैसे आए होंगे ठीक है मेरे पास क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है तो मुझे नहीं पता कि एक्जेक्टली exactly ऑप्शन कैसे रहेंगे। बट मैं आपको समझा रहा कि ऐसा कुछ रहेगा तो टिक मार कर देना सिंपल तो है तो आप बोलेंगे बार बार अलका मिलाने का बार बार अलका मिलाना है सात बजे सर का लेक्चर होगा बिल्कुल सही तो हम सात के पहले अप करने का ट्राई करेंगे डेल्टा यू निकालना था डन ऑन सिस्टम दिया था सिस्टम पे काम हो रहा है मतलब कि 25 जूल क्या आ गया? 25 किलो जूल क्या आ गया? आ गया, आ गया, बोला है भाई दोनों को ऐड कर दो डेल्टा यू निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया सर 90 किलो जूल आपका आंसर होना चाहिए 90 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर 90 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत कहीं पर भी यस yes, मजा आ रहा है आयु पैक नेम बताओ शिफ्ट टू का पेपर ये रिसेंटली भी आता था मैंने डाला आयु पैक नेम पूछा था इसका सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सर एन कॉमा एन हो गया ये तो तो इसका नाम आ गया एन कॉमा एन डाय मिथाइल एन कॉमा एन डाय मिथाइल देखो यहां पे एन कॉमा एन डाय मिथाइल उसके बाद क्या हो गया मिथानामाइन क्या बन जाएगा बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया एन कॉमा एन कोई डाउट है कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी चेक करो जल्दी से ओ मेरे भाई ये सर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होता है सोहम पांडो सोहम पांडो क्लास इलेवन का जल्दी से जाके यूट्यूब देखो मेरा एक ही लेक्चर लिया क्लास इलेवन में एक ही लेक्चर लिया बच्चे सोहम कितने घंटे का सर मैक्सिमम एक डेढ़ घंटे का है लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है जाके अभी का अभी जाके देख बच्चे अगर आपका शिफ्ट कल मॉर्निंग में आफ्टरनून में कभी भी हो अगर वो आपने भगा के भी देख लिया ना तो भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा ठीक है याद रखना इस बात को नेक्स्ट विच वन इज एक्सटेंसिव विच वन एक्सटेंसिव मैंने कल बताया था एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड अपॉन अमाउंट खत्म वो example आपको पढ़ना है डिपेंड ऑन अमाउंट अब आपके टाइम पर इंटेंसिव आ सकता है आपके टाइम पे इंटेंसिव आ सकता है या शायद आया भी होगा बच्चे ने शायद देखिए उसको याद रहा होगा ठीक है याद रखना कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया भाई नेक्स्ट विच इज द स्ट्रॉगेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देखो अगर मैं स्ट्रॉगेस्ट की बात करूं तो बाई डिफॉल्ट आपको इस मोड से होकर गुजरना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसके बाद थोड़ा अगर आप देखेंगे तो एसिडिक एसिड आता है फिर जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी कम हो जाएगी एक्जेक्टली exactly हो क्या रहा है इसके अंदर ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन लेके ये बंदा क्या बनाएगा बड़ा अच्छा माइनस बन जाएगा और ये H प्लस होता है इसलिए H का निकालना मुश्किल होता है यहां पे कोई अल्काइल नहीं है तो इसका माइनस बड़ा छोटा रहेगा यहाँ पे H प्लस रहेगा का निकालना आसान है मतलब कि जैसे जैसे अलकाइल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाएगी एसिडिटी कम होती जाएगी ये तो मैंने आपको अलकाइन के बीच में बताया अब कभी अगर ऐसा हो गया कि आपको बोला है कि सर हमको कार्बन का नंबर सेम दे दिया है सब जगह ऐसा भी शिफ्ट में आ सकता है याद रखना आपको ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है ठीक है कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तीन जगह ऑप्शन में या चार जगह ऑप्शन में और हमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है तीसरा ऑप्शन हमको ऐसा दे दिया है दिख रहा है और चौथा ऑप्शन हमको ऐसा दे दिया है बोलो कौन सा ज्यादा एसिड होगा आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा एसिड होगा देख लो जरा यहां पे यस कौन सा ज्यादा एसिड होगा दिमाग चला लो पहले ए सीएस थ्री सी एस टू सीओ एच सी एस थ्री सी एस सी एल सीओ एच या फिर सी एस टू सी एल सी एस टू सी सी एल या फिर सी एस थ्री सी सी एल सी एल सी जल्दी बोलो जल्दी बोलो ओ मेरे भाई जल्दी बोलो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर इसका राइट right आंसर क्या होगा मैं हट जाता हूं जरा मैं हट जाता हूं राइट right आंसर होगा इसका नंबर डी डी इज द करेक्ट आंसर सर कैसे देखो हो क्या रहा है यहाँ पे सीएल जो होता है ना भाई माइनस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन खींचेगा जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ओ ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ओ बन जाएगा बड़ा अच्छा प्लस

डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इन सर कैसे करने का रहे मेरे भाई के बी बोलो या के एफ बोलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा टीबी अपॉन एम था मतलब कि के ऊपर आ आ जाएगा आ जाएगा मोल इनवर्स चेक करो ऐसा कुछ था क्या यूनिट में अगर ऐसा कुछ था तो यही राइट आंसर था ऐसा कुछ था तो यही राइट आंसर था बोलो येस एनोटो ग्रुप रहेगा तो एनोटो ग्रुप रहेगा बच्चे वीरेंद्र तो वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या बोल सकते हैं बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब कि माइनस आई इफेक्ट में सबसे टॉप पे एनओ टू होता है तो एनओ टू का रहने का मतलब कि उसके सामने चाय कम पानी हो जाएगा यहां पे मैंने सीएल को सेम जगह पे रखा था या सेम स्पीसीज रखा था मैंने सीएल के रूप में लेकिन अगर एक जगह सीएल दिया है एक जगह एनओ टू दिया तो एनो टू को बहुत ज्यादा प्रीफर करना आप लोग ये मानना कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई दिक्कत कहीं पर भी सर ही ये ब्लोज क्यों झाला अरे भाई ठीक है ना मैं समझ गया इसलिए मैंने बोला दोनों का फॉर्मूला सेम होता है दोनों का फॉर्मूला सेम होता है सॉरी एफ आएगा दोनों का यूनिट भी सेम होगा क्या होगा कैलवीन किलोग्राम मोल इनवर्स कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी विच इज द स्ट्रॉगेस्ट मैंने करा दिया ऑक्सीडेशन ऑफ ओ इन ओ एफ टू अरे माई ये क्या हो गया भाई ओ माई गॉड सर ये क्या आ रहा है पेपर में कॉमेडी भी कर रहेगा पेपर में जोक्स भी लिख कर आ रहा है क्या पेपर में जी हाँ पेपर में जोक्स भी आ रहा है लिख के केमिस्ट्री के पेपर में आ रहा है याद करो मैंने ऑक्सीडेशन जब मैंने आपको क्लास इलेवेंथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला जब मैंने सीरीज लिया था एक डेढ़ घंटे का जिसमें मैंने साठ पैंसठ क्वेश्चन कराया था दो हजार इक्कीस वाले उसमें मैंने आपको रूल लिखा के दिया था और बोला था कि ये यही रूल पढ़ लो आपका छप जाएगा पेपर में राइट आंसर होगा इसका ओ एफ टू एफ जो होता है बाई डिफॉल्ट माइनस वन होता है ओ का आता पता नहीं तो ओ माइनस टू इक्वल टू जीरो टू प्लस टू ओ इक्वल टू प्लस टू

और लेकर क्या क्या बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा सही बात है यस यस और नो ऐसे कुछ तो ऑप्शन दिया था और आपको स... मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं ऑप्शन में क्या था एग्जैक्टली exactly पता नहीं ऑप्शन में क्या था मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है तो यहां पे जब इसको आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा एच थ्री ओ प्लस सी एल माइनस अब इसको ऐसे रिलेट कर देना है आपको या आप समझ में आना चाहिए कि हाँ हा, इनके साथ ये रिलेट होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुम एसिड पेयर या फिर ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में लिखा होगा कौन सा एसिड बेस पेयर दिखा रहा है ऑप्शन में एच टू के सामने एच थी ओ लिखा होगा एच टू के सामने एच एल लिखा होगा कुछ भी हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं चलेगा यस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ये तो भाई सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन ही पूछ दिया क्या रिलेशन था हमको तो पूरा मुंह पे याद है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू डिवाइड बाई एन बेस्ट इन प्रोडक्ट अपन आपको याद आया मुझे तो बड़े अच्छे से याद आ गया याद करो याद करो सर ये वाला वाला है के वाला है तो भी दिक्कत नहीं रहेगी आरटी वाला इक्वेशन पूछा यहाँ पे ये देखो तो आपको ढूंढना पड़ा मुझे पता नहीं इसमें बच्चे ने क्या लिखा है बट मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आपको इक्वेशन घिस के जाना है ठीक है आपको इक्वेशन घिस के जाना है याद रखना इस बात को कौन सा नर्स इक्वेशन वाला नर्स इक्वेशन वाला नर्ट्स इक्वेशन घिस के जाना है ये बच्चे ने ऑप्शन में क्या लिखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहा पर जीरो पॉइंट जीरो अच्छा, सेम -सेम अच्छा यहाँ पे ई नॉर्मल ई लिखा हुआ है हाँ तो ये वाला आंसर तब तो राइट रहना चाहिए तब ये वाला आंसर जो है कि आपका राइट रहना चाहिए कौन सा बी वाला अगर आप देखेंगे तो ऐसा आंसर मिलता था आपको बी वाला आपके पास अगर याद होगा थोड़ा बहुत याद करो ठीक है वॉट इज रेसमिक रेसमिक मिक्सर का मतलब होता है जब इक्वी मोलार में रोटेटरी और लाइव रोटी को मिक्स करते हो तब प्लेन पुराने लाइट में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसी को बोलते हैं मिक्सचर चलेगा यस yes. yes. यस मेरा पेपर बहुत अच्छा गया क्या बात है आज भाई कह मच गया विच इज नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का कौन सा मेथड नहीं है ऑप्शन मुझे नहीं पता ऑप्शन मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है इतना पता है कि अगर कोई भी ऑप्शन आएगा तो उसमें से जो मेथड नहीं रहेगा वो सिलेक्ट करना है चार पांच मेथड होते हैं डाउ प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरोबेंजिन से बनाते हैं क्यूमिन से बनाते हैं, हैं एनिलिन से बनाते हैं और कहीं कहीं पे विलियमस मेथड से भी बनाते हैं तो आपको ढूंढना कौन सा मेथड नहीं यूज होने वाला है चलेगा yes, कोई दिक्कत कहीं पर भी विच क्यूबिक सेल हैज फोर पार्टिकल बोलो आंसर में सर मार्क कर दो सर दुनिया जानती है एफ सी सी एफ सी सी दुनिया जानती है दुनिया जानती है एफ सी सी नेक्स्ट बोर्न ऑर्डर ऑफ ओटू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू टू होता है कुछ नहीं करना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू सर मेरा ना बच्चे शॉर्टकट का मैंने सीरीज बनाया था ट्रिक्स फॉर एमएसटी सी टी जिनके पास बहुत टाइम है चाहते हैं कि बहुत टाइम है मेरे पास मैं कुछ करना चाहता हूं कुछ फोड़ना चाहता हूं आप चैनल पे जाइए आपको मिल जाएगा ट्रिक फॉर एमएचटी सीटी प्लेलिस्ट में उसके ज्यादा नहीं दो, दो तीन तीन, तीन मिनट के वीडियो बनाता हूं मैं उस टाइम मतलब उस ट्रिक में कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं सिर्फ वो ट्रिक पढ़ लो एक बार आपको छह सात नंबर वहीं से मिल जाएंगे छह सात नंबर वहीं से आ जाएंगे जो शायद आप छोड़ने वाले रहेंगे ठीक है यस चलेगा सर मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा हाँ बच्चे ठीक है वो क्वेश्चन मैं कल ले पाऊंगा आज तो ऑबियसा नहीं ले पाऊंगा अभी चलते लेक्चर में कैसे डालू मैं पूछा था देखिए रायमर विचारला होता रायमर टाइमन का डायरेक्ट पूछा था कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा टाइमन याद है कि भूल गए ऐसा ऐसा हो सकता है? या गया? गया। ऐसा हो सकता सकता है है या यहां यहां आ आ गया गया सीएचओ चेक कर लो यस yes, कोई दिक्कत बॉन्ड एंगल आपको याद करना है बच्चे रिबिका बॉन्ड एंगल आपको याद करना पड़ता है बॉन्ड एंगल में ऑप्शन नहीं है कोई ठीक है फॉर्मल चार्ज का आया था फॉर्मल चार्ज आया था बच्चे तो बड़ी अच्छी बात है रे गेमिंग वन मिलियन क्या बात है फॉर्मल चार्ज में आया था किसी बच्चे ने भेजा नहीं मुझे बट फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं मैंने

केमिस्ट्री में तो उतना गारंटी लाएंगे बाकी सब्जेक्ट का मैं भी हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकता हूं लेकिन केमिस्ट्री में मैंने वो चीजें कवर की तो मुझे पता है कि आप उतना कर लो फोड़ देंगे कहर मचा देंगे एकदम हंगामा हंगा लगा देंगे गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट आइसो ब्यूटाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमाइन याद रखना ये बहुत जगह फंसते हैं बच्चे आइसो ब्यूटाइल बोला है लोग खुशी के मारे माफ कर देंगे सेकेंडरी टर्सरी नहीं मेरे भाई नहीं ये प्राइमरी अमाइन होता है अगर कहीं पे आ गया आपको तो यहां पे बोला है, ये है अब मैं आपको बोल रहा हूं अगर मैंने पूछ दिया से अमाइन है बता पाओगे सेक प्रोफाइल अमाइन किस टाइप का अमाइन है जल्दी बोलो सेक प्रोफाइल अमाइन किस टाइप का अमाइन है सोच के बताओ जल्दी सेक प्रोफाइल अमाइन किस टाइप का अमाइन है आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन क्या ये भी प्राइमरी है हम तो सेकेंडरी समझ रहे थे भाई प्राइमरी में यही खास बात होती है एक दो तीन यहां से आ जाएगा एन एच टू यहां पर सीएच सी एच सी एच थ्री ये बन गया आपके लिए प्राइमरी अमाइन दिस इज दी प्राइमरी अमाइन बोलो समझ में आया सेकेंडरी बोलने वाले सुधर जाओ समझ जाओ पेपर हुआ नहीं आपका तो भाई बचने का एक मौका मिल रहा है आपको अमाइन जो है सेकेंडरी या टर्शरी तभी दिखाएगा जब उसके अलकाइल बढ़ेंगे

चलो रिलेशनशिप बिटवीन मोलार ओ माई गॉड ये देख बच्चे ये देखो जरा सामने से बंदे ने लिख दिया यहां पे सर आज अंगार मचा दिया केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके बताए हुए ही आए थे सर फोड़ के आया है बहुत मजा आया सर तय दिल से शुक्रिया मैं नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं ये बच्चे बोल रहे हैं ये बच्चे बोल रहे हैं और ये फॉर्मूला का ट्रिक जो मैंने बताया था भाई आपके सामने देखो यहां पर लिखा है यार

ठीक है आदित्य करके बच्चा बोल रहे हैं सर मां कसम पेपर फोड़ के आया हूं अंगार लगा के आया हूं सब कुछ था सब कुछ ऐसा लग रहा था कि रिवीजन कर रहा हूं एंड सर बता रहे हैं आपके ट्रिक्स काम आए थे एम एस एस दो हजार बाईस आपने जो जहां भी लिखा था वो सब आया था और स्पेशली वो केबी और डब्ल्यू टू वाला रिलेशन तो भाई छप गया था केबीसी वाले में दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यस भाई ये कृष्णाली करके बच्चा है पचास में से चालीस क्वेश्चन आपके ही थे वाह 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 अरे मेरे भाई आप क्या जान लोगे टीचर की और कितना एक्सपेक्टेड चाहिए तुम्हें पचास के पचास तो मैं सामने से बोला नहीं दूंगा पचास के पचास नहीं आएंगे अब तीस तक आ गया तो समझो एक टीचर बहुत अच्छे से आपको कन्विंस कर पा रहा है बड़ी मुश्किल से देखो ये जो चीजें होती है ना एक दिन में नहीं आती है एक दिन में नहीं आती ऐसा मत सोचना कि सर बस दो दिन से पढ़ाना चालू किया और तुक्के में बैठ जा रहा है

सर आपके मेगा लेक्चर के कुछ क्वेश्चन डिक्टो छप रहे थे थैंक यू वेरी मच डिक्टो छप रहे थे मेगा लेक्चर के क्वेश्चन मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो मैंने एक बड़ा लेक्चर लिया नौ घंटे वाला समझ लो डिक्टो वर्ड भी चेंज नहीं किया गया था वैल्यू भी चेंज नहीं किया गया थे सोच लो आप ठीक है नेक्स्ट बस ये लास्ट लास्ट स्लाइड लास्ट एक दो स्लाइड है यहां देखो जरा रहा अभी शिवम बोल रहा है बच्चा मोस्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम अच्छा वो सेम है ठीक है यहां देखो टेस्ट सीरीज अनलॉक वाला एक वीडियो बनाया था मैंने उस उसपे बच्चे ने लिखा है आई एस के कादरीगढ़ के बच्चा है बोल रहा है कि ऐसा लगा कि ऑल क्वेश्चन आपने कंडक्ट किया था भाई आपके ही क्वेश्चन लग रहे थे यस आप समझ रहे हैं ऐसा लगा कि ऑल क्वेश्चन आपने ही कंडक्ट किया था इतना प्रैक्टिस हो चुकी थी आपकी पार्थ राठौड़ पार्थ राठौड़ सर हिट था लेक्चर आपने तो नहीं बनाया था ना सीटी का पेपर एनीवे थैंक यू मैंने तो बस क्वेश्चन रीड करके आंसर टिक करते जा रहा था आपने आपने आप ना होते तो ये इम्पॉसिबल था मतलब कि भाई इतना बार हमने पढ़ा दिया था कहीं ना कहीं जो बच्चे हमसे अगर पेड बैच में भी जुड़े होंगे अगर ड्रेक्ट्ली, ड्रेक्ट्ली, तो उनको इतनी बार विजय मिल गया था ना कि पूछो ही मत मैं खुद छह बार पढ़ा चुका था एमएससी सिटी और बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर भाई बस माहौल जैसे बना थोड़ा यूट्यूब चालू हुआ तो लोग ऐसे धड़लने से एकदम चैनल एक्टिवेट कर लिए चलो अब मौका आ गया है सब्सक्राइबर बनाने का तो चलो एक काम करते हैं आप दो दो तीन तीन घंटा पढ़ाएंगे ठीक है बवाल करेंगे हंगामा करेंगे मेरे भाई अगर चीजें एक दिन में पढ़ाने से अगर सब कुछ हो जाता ना तो कोई साल भर मेहनत नहीं करता कोई साल भर मेहनत नहीं करता ये साल भर की मेहनत होती है जो टीचर एक साल में छह बार पढ़ा रहे चाहे मैं हूं दिनेश सर है मुकेश सर है और जो टीचर सिर्फ एक बार बैठा चलो ठीक है भाई मैं पढ़ा दिया ठीक है या फिर एंड मिनट पे पोर्शन कंप्लीट नहीं किया बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिए उसी को लेकर बड़े वाहवाही ले रहे हैं मैं आपको बता दू कि यहां पर एमएसटी सिटी को मैंने टोटल छह बार कवर किया इस साल पिछले बार हमने एकलवे वाले बच्चों के लिए भी चार बार कवर किया था इस बार अगर सिर्फ फ्री वाले बैच की बात करें तो भी हमने तीन बार कवर किया नून पे पूरा फ्री बैच पढ़ाया था एकलवे में पूरा फ्री पढ़ाया उसके बाद मैंने मैराथन में पूरा फ्री पढ़ाया तीन बार तो मैंने आपको फ्री बैच में करा दिया मतलब जो बच्चा मेरे से जुड़ा होगा ना जिन तरीके से कि सर जहां भी पढ़ा रहे मैं जाके सीखूंगा तो वो बच्चा एक ही चीज को तीन बार पढ़ा होगा और जो बच्चा तीन बार पढ़ेगा यार आपको क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि आप तीन बार टीचर करवा रहा है बच्चा तीन बार किया होगा अपने आप से मैं तो सोच रहा लेवल कि वो दस मिनट में नहीं करेगा और क्या करेगा पेपर में वो तो उड़ाएगा यार सीधी सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैराथन से आए थे थैंक यू वेरी मच तो यहाँ पे कोई बच्चा है मैंने यहाँ पे नाम टेलीग्राम टेले, का मैंने लिया था तो थोड़ा सा कोई दिक्कत हो रही है तो भाई ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जेक्टली पता चले कि यार चल क्या रहा है यस सर मेरा फोर्टी सिक्स आएगा पेपर आपने तो नहीं सेट किया था क्या बात है चलो मैं लेक्चर बहुत जल्दी एंड होने वाला टेंशन मत लो तो यहां पे लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं अभी सात बजे सात बज के दो मिनट हो गया तो शायद मुकेश सर का लाइव स्टार्ट हो चुका होगा हो या लाइव स्टार्ट होने वाला होगा ठीक है अगर मुकेश सर का लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से बता दू सर मैं अपना लाइव बंद करने जा रहा हूं और सात बजे या सात बज के दो चार मिनट पे आपको फीस का बिल्कुल ऐसा ही तड़कता भड़कता एकदम जो है कि एमसीक्यू का डिस्कशन जो आपको आने वाले बैचेस के लिए काफी वरदान साबित हो सकता है वैसा लेक्चर सर जो है कि क्रिएट कर रहे हैं बना रहे हैं काफी मतलब बोलते ना कि जब से पेपर मिला है तब से बोले थे सर मुझे सात बजे मैं लूंगा क्योंकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन कंडक्ट करने के लिए तो मैंने बोला ठीक है मैं सिक्स ओ क्लॉक ले लेता हूँ तो हमारी डिस्कशन हुई थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और दिनेश सर को जो हर्ष गुप्ता करके बच्चा था उसने दिनेश सर को पेपर बहुत पहले दे दिया था ठीक है तब ता, उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे फिर उस बच्चे ने मुझे भी भेजा तो मैंने वो पेपर फिर लिया और फिर जो है कि बहुत सारे और बच्चे थे जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे वो धीरे धीरे क्वेश्चन भेज रहे थे तो हाँ, हमने मर्ज करके बहुत अच्छे से बनाया तो भाई देखो ये आपका प्यार है आपका सपोर्ट है मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि मिश्री खत्म हो गई चलो अब चैनल से कोई काम नहीं है तो ऐसा मत कीजिए उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि जैसे दिनेश सर ने जब सेंटर पे गए तो हमने बात भी की थी कि हम बहुत जल्दी इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ करने वाले हैं जी हाँ इंजीनियरिंग के लिए भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं जैसे इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री होती है इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है ठीक है फिजिक्स होती है तो उन बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है ठीक है काउंसलिंग आगे होने वाली है आपकी तो ये सारी की सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी जैसे कि आप हमसे दिनेश सर सर से मुके सर से मुकेश जुड़े हो जुड़े रहिए ठीक है ऐसा नहीं कि हो गया पेपर अच्छा चला गया गंदा चला गया चलो भाई अब सर से रिश्ता तोड़ दिया ठीक है जो टीचर आपको एक साल में तीन बार पढ़ा रहा है आपको कोचिंग क्लासेस में भी तीन बार नहीं पढ़ा होगा एक बार पढ़ा दिया बड़ी बात हो जाती है ठीक है वहां पे आपको तीन बार मैं पढ़ा रहा हूं तो अबियस है यार एक रिलेशन बन जाना चाहिए एक प्यार वाला बोलते ना कि एक दिलों का कलेक्शन हो जाना चाहिए यार सही है अब तो सर के साथ बोलते ना ता हो चुका है कि हम सर ने हमें जो है कि कहीं ना कहीं हेल्प किया मुझे अपने कैरियर में मुझे अपने बोलते ना गोल को सेट करने में तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बस हमसे जुड़े रहो जब कोई पुराना बच्चा कमेंट करता है ना यार चैट बॉक्स में कि सर मैं आज यहां पर हूं आप ट्रस्ट नहीं करेंगे यार वो मतलब इतना खुशी होती है ना देख के इतनी खुशी होती है ना कि यार ये बच्चा जो है कि दो का है दो का है ठीक है किसी भी ईयर का है जब वो मेंशन करता है कि आज मैं यहां पर हूं इस कॉलेज में हूं या फिर इस पोस्ट पर हूं यार मजा आ जाता है देख के आप ट्रस्ट कीजिए बहुत मजा आता है ठीक है तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस आपका वो जो इंटरेस्ट जो मजा होती है ना जो मुझे फील आती है आपके कमेंट को पढ़ के बस वही चाहिए मुझे चलेगा तो चलो बड़...